ले खोल तरल दिए। एक खाके में फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, फिर से एक खाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं जाऊंगा खेत पे जहां पर मम्मी और पिताजी रहते हैं, वहां पर वो सब्जी पहुंचाने के लिए जाऊंगा। तो मैं यहां से सरसों के साग लेके जाऊंगा और संतरा लेके जाऊंगा जो कि मेरा दोस्त के वहां से लेके आया हूँ, एक्स्ट्रा फ्रूट वही लेके जाऊंगा और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या सब्जी मिलेगा वही लेके जाऊंगा बस खेत में। वाओ गाइस, ये एक्स्ट्रा फ्रूट बहुत ही मस्त जो कि मैं खा लेके आया हूँ रुपम के घर से। और यहाँ पर है संतरा, लेकिन फिर से तोड़ूंगा घर पे लेके जाने के लिए खेत पे। गैस साथ में मैं नींबू भी लेके जाऊंगा, इसी में दो नींबू है। मिल गया लेमन, बड़ा सा लेमन, बुढ़ा हो गया से मेरा जैसा बुराऊ बराऊ लेमन। और यहाँ पर संतरा की चौकीदारी कर रहा है चतुआ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे वो संतरा कलेक्ट किया तो यहाँ पर गिर गया, तो करके इसको खाएंगे। यहाँ पर कुछ मिर्ची है, ये भी लेके जाऊंगा खेत पे यहाँ से मिर्ची तोड़ के। यहाँ पर झोला में यहाँ पर संतरा और ये फूल और ये बड़ा सा लेमन, और उसी के ऊपर में लिया हूँ सरसों के साग फूल एक बैग हो गया, ये इससे खा लेंगे बस दो तीन दिन मम्मी और पिताजी। अभी मेरा दोस्त रूपम भाई ने कॉल किया कि वो भी जाएगा मेरा साथ हमारे खेत में घूमने के लिए जाएगा वो भी। वाह, तो गैस में फाइनली पहुंच गया हूँ हमारे खेत, तो साथ में आया रूपम भाई भी आया है। यस, तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी खा चुके हैं, तो यहाँ पर धान को यहाँ पर जमा कर रहा है, तो यहाँ से मशीन से जारेंगे तो इसको पूरा इसको छीलेंगे। यहाँ पर वो इस तरह कपड़ा बिछाएंगे, उसका ट्रैक्टर बुला के जारेंगे। पूरा पहाड़ का नजारा पूरा सफेद सफेद आ रहा है, ठीक है। इसको तो जमा कर चुका है यहाँ पर, तो वहाँ पर उसको भी जमा करके रखा हुआ है, वो उसको भी जमा किया वहाँ पर दो। तो बस अभी बच्चा ये वाला, इसको अभी खाएंगे, आदमी आने वाला है इसको भी, खत्म यूट्यूब का पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट। तो गैस में फाइनली खेत से आ चुका हूँ, खेत से आने के बाद खाना वाना कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैं ये फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ बहन के लिए एक बैग, क्योंकि बहन का बैग मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको तरह तरह फाट रहा है। तो ये उस दिन मैं बहन को बोला था कि मैं तेरे लिए एक बैग गिफ्ट दूंगा। बहन अंदर पे है, तो शायद यहाँ पर क्या बना रही है, खाना बना रही है क्या? हाँ। खाना बना रही है तेरे लिए, खाना बना के हो गया। हाँ, तेरे लिए खुश था ये। क्या है? खोलो, यहाँ नहीं बाहर खोलो, बाहर पे ले खोल तेरे लिए। कैसा रंग कलर? हाँ बढ़िया है। तो गैस रेस्ट करने के बाद मैं फाइनली अपना बिस्तर से उठता हूँ, तो यहाँ पर मेरी बहन पता नहीं क्या कर रही है। तो अभी मैं जाऊँगा नहाने के लिए नदी पे, हमारे यहाँ पे छोटा सा नदी है, वहाँ पर जाऊँगा बस नहाने के लिए। तो गैस मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ हमारा गाँव का नदी पे, तो मैं इस नदी पे नहाने वाला हूँ। पैदल मैं यहाँ पर अपना बैग रख दिया और यहाँ इसका नीचे पे नहाने वाला हूँ। यहाँ पर बच्चे लोग नहा रहा है पूरा मस्त करके। गैस इसी का मौसम में मतलब नहाना मतलब एलर्जी होता है, तो मैं सोते सोते पता नहीं कब वो टाइम बीत गया, टाइम ही चला गया मुझे पता नहीं। तो अभी मतलब सूरज डूबने का समय आ रहा है, अभी फिर भी नहाऊंगा जितना भी ठंडा हो, तो मस्त करके नहाऊंगा। पानी भी पूरा ठंडा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे जितना भी ठंडा हो चलेगा। गाइस ठंडा लग रहा है गाइस, तो पानी बहुत ही ठंडा है। ओ माय गॉड, क्या करूं यार। तो अभी मुझे यहाँ पर डुबकी लगाना पड़ेगा, पूरा पानी से एलर्जी है यार। वाह, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, फिर भी डुबकी लगाऊंगा, फिर भी नहाऊंगा। वाह, तो गाइस ये है सुरक्षा कवच, ये वाला सुरक्षा कवच हमारे गांव का सुरक्षा कवच। तो इधर से आता है ब्रह्मपुत्र की नदी, तो वहां से सीधा आके इधर
पूरा यहाँ से कितनी नामी थी घर यहाँ से उजड़ के लेके गया ताकि ऐसा ना हो फिर से। इसलिए सरकार यहाँ पर एक दम बंद लगा दिया, पत्थर का दम पूरा लंबा लगभग 5 किलोमीटर तक। अरे भाई बाहर मिस्त्री हो गया यार, मैं साबुन को लाना ही भूल गया, वहाँ पर छोड़ दिया मैं। कोई बात नहीं, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके फिर से नहाना पड़ेगा साबुन के साथ। वाह बहुत ही ठंडा है गाइस, कोई बात नहीं फिर भी जाऊँगा। इधर ही जाऊँगा पत्थर से होकर, इधर से ही जाऊँगा, पत्थर पत्थर है भाई, खार नहीं मानेंगे। जितना भी ठंडा पानी हो फिर भी नहाएंगे मस्त बिंदास जकास। तो यहाँ पर एक तो मुर्मुखी जैसा बोला था, उस जब मैं यहाँ पर नहाने के लिए था उस दिन मुझे बहुत खाता यार उस समय। हमारा गांव इस तरफ है और इस तरफ नदी, यहाँ से आता है ब्रह्मपुत्र की नदी पूरा। तो दोस्तों बात करूँ तो ये नदी बारिश का टाइम पे बरसात के मौसम पे बहुत ही बड़ा था। यहाँ पर इस नदी पर छोटा सा नदी है फिर भी मैं यहाँ पर नहाऊँगा, इंजॉय जस्ट लाइक अ चाइल्डहुड। कोई बात नहीं, बुढ़ा हो या जवान इंजॉय इंजॉय होता है, नदी बड़ा हो या छोटा हो। तो गैस में पानी नहा के वापस आ रहा हूँ, तो वापस आते थे मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मुझे ये पानी पूरी दिखाई दिया तो मेरा मुंह से पानी आ रहा है, रहा नहीं जा रहा है, तो यहाँ से पानी पूरी खा के घर जाऊँगा। बस यहाँ पर है पानी पूरी और यहाँ यहाँ पर है मिर्ची, तरह तरह का आइटम, मुझे पता नहीं क्या क्या है, ये हिंदी से पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और यहाँ पर है क्या, मक्का कॉर्न, ये खाऊँगा बस। ये यहाँ पर है बॉल एग, तो मैं बस एक ही खाऊंगा, एक ही बार में फिनिश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ कॉर्न और यहाँ पर चना मटर पूरा बॉयल यहाँ पर मिक्सर करके खाएंगे चकना की तरह। इसको बोल दिया कि इतना डाला मिर्ची ताकि सुबह उसमें पिछवाड़ा जले। वाह पानी हो गया मिक्स, पूरा मिर्ची मुँह से पानी आ रहा है यार, रहा नहीं जा रहा है। वाह बस मजा आएगा अभी, पूरा मिर्ची पूरा लाल लाल, सुबह सुबह पिछवाड़ा चलेगा, इतना खाऊंगा। तो गैस अभी मेरा दोस्त बोल रहा है वहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल बिस्कुट बना रहा है रूपम भाई, तो उसका घर पे जा रहा हूँ मैं, वो बोल रहा है कि जल्दी आ जा घर के, बोला अभी मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो फाइनली पहुँच गया हूँ रूपम भाई के घर पे, कुछ स्पेशल है क्या बोला रहा है, कौन सी ट्रेडिशनल बिस्कुट बनाया हूँ, बढ़िया फ्रॉक बिस्कुट ये लीजिए विटुला है आपके लिए। बैंग फिदी, बैंग मतलब हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं फ्रॉक। वाह देखिए, ओह हो भाई पूरा फुल एक बार में एक खत्म। ओ माय गॉड, ओ रफ फिनिश कर दिया, इतना लंबा देखो, इतना लंबा वाला पूरा मुंह में डाल लिया। मैं फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, फिर से एक खाऊंगा। ये बहुत लंबा है यार, लंबा है। बाप रे आसमिन भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया, बस थोड़ा तेरा पास बढ़िया जैकेट है कि नहीं? एकदम बढ़िया जैकेट, आप देखोगे तो खुश हो जाएगा, मैं आपको एक तो निकाल के रखा था, अभी एक कस्टमर को दिखा रहा हूँ। बढ़िया से देना मस्त वाला, बढ़िया लेकिन पैसा नहीं मिलेगा इस बार, यूट्यूब से पैसा आने के बाद मिलेगा। आप पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है दोस्ती में, इतना भरोसा कर सकते हैं। दीदी आप छू के बताइए, बहुत मस्त है।
ये पता है हवा को वो घुसने नहीं देता है, अगर जब मस्त ना। और ये भी दिया हुआ ना कि हाँ ऐसा कॉटन रहता है इसके अंदर, इसके वजह से आप पता चलेगा। बिल्कुल भी आप पहन के देखिए पता चलेगा। ठीक है ठीक है। गाइस फाइनली मैं एक ले लिया हूँ ये वाला जैकेट, मस्त वाला 2000 में। अभी पैसा नहीं है बिकारी आदमियों में, यूट्यूब से पैसा आने के बाद दे दूंगा भाई ना। तो दोस्तों ये वाला जैकेट कल मैं लेकर आया हूँ मेरा दोस्त के वहाँ से बाकी करके, लेकिन वो पैसा बाद में देंगे, यूट्यूब से पैसा आने के बाद दे देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ, तो बाय बाय दोस्तों, बढ़िया से रहना, मस्त करके बाय।